Good day to all of you student. Today I shall teach you class 12th English Flamingo lesson number 7. Name of the lesson is the interview, an interview with Umberto Eco, and it's a part second of this lesson. Student, it's a part second of this lesson, and before this we have read Mukund Padmabhan. He was taking an interview of Umberto Eco. मुकंद पद्मभान जो है वो Umberto Eco का इंटरव्यू ले रहे हैं, ये पढ़ा था हमने. एंड द नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर स्टूडेंट. मुकंद टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, मुकंद ने जो बोला टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. तो मुकंद ने ये बोला कि टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, नॉवल्स के बारे में बात करते हुए बोला कि फ्रॉम बीइंग ए फेमस एकेडमिक, कि आप एकेडमिक में तो फेमस थे ही, और यू वेंट ऑन बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस, और आप जो है चमत्कारी तरीके से और जो है मशहूर हो गए जब आपने ये पब्लिश किया था नेम ऑफ द रोज. तो मुकंद ने पूछा, नॉवल के बारे में तो बात की, और ये बोला कि एकेडमिक में तो आप फेमस थे ही, और उसके बाद जब आपने द नेम ऑफ द रोज आपका पब्लिकेशन हुआ, तो उसके बाद जो आप स्पेक्टेकुलरली फेमस हो गए, आप तो एक चमत्कारी तरीके से इतने मशहूर हो गए. You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction. और मुकंद ने बोला कि आपने 5 novel लिखे हैं against many more scholarly works of the non-fiction, कि जो non-fiction गैर साहित्यिक वर्क है उसके, उनका जो scholar work था उसके against में आपने 5 novel लिखे हैं. At least more than 20 of them, और लगता है at least more than 20 of them, हो सकता है कि कम से कम जो है 20 से ज़्यादा हैं. Umberto Eco ने बोला ओवर 40, 40 से ज़्यादा हैं. तो मुकंद ने बोला ओवर 40, 40 से ज़्यादा. अमंग दैम ए सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक. अमंग दैम, और उनके बीच में क्या था, सेमिनल पीस. सेमिनल पीस होता है इफेक्टिव पीस ऑफ वर्क था जो उनका, कि उनमें जो जो ज़्यादा इफेक्टिव था. अमंग दैम सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक, उसमें जो ज़्यादा इफेक्टिव था वो सेमियोटिक था, जो संकेत विज्ञान के बारे में लिखा था. बट आस्क्ड मोस्ट पीपल अबाउट Umberto Eco एंड दे विल से ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट. बट आस्क्ड मोस्ट ऑफ द पीपल, परंतु जब हम ज़्यादा लोगों से पूछते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जब हम ज़्यादा लोगों से Umberto Eco के बारे में पूछते हैं तो वो ये कहते हैं ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, वो नॉवलिस्ट है. डज दैट बॉदर यू, क्या इससे उसको जो है कोई फ़र्क पड़ता है. Umberto Eco ने बोला येस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. Umberto Eco ने बोला हाँ, मैं ये कंसिडर करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, हु राइट्स नॉवल ऑन संडे, और मैं जो है संडे को नॉवल लिखता हूँ. इट्स नॉट ए जॉब, ये मैं मजाक नहीं कर रहा. आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंस एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद अकेडमिक कम्युनिटी. तो Umberto ने बताया कि मैं जो है संडे को नॉवल लिखता हूँ, और मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, और ये मजाक नहीं है, और मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स, और मैं पेन क्लब्स में जो है मीटिंग अटेंड नहीं करता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ जो अकेडमी से रिलेटेड होती हैं. एंड राइटर्स, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद अकेडमिक कम्युनिटी, और मेरी जो पहचान है वो मेरी अकेडमिक कम्युनिटी से है. बट ओके इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली नॉवल्स. तो Umberto Eco ने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं शायद नॉवल पढ़ते हैं. इफ़ द मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवल्स, कि बहुत सारे लोगों ने जो है नॉवल पढ़ा है. लाफ्स एंड शग, Umberto Eco हंसता है और अपने कंधे उचकाता है. आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस. और उसने Umberto Eco ने बोला मुझे पता है कि जब मैं नॉवल लिखता हूँ तो मैं बहुत सारे लार्जर ऑडियंस तक पहुँच जाता हूँ, बहुत सारे ऑडियंस, बहुत सारे लोग जो है मेरे नॉवल को पढ़ते हैं. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर. तो Umberto Eco ने बोला मैं ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 1 मिलियन रीडर्स मेरे हो सकते हैं विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स. स्टफ होता है कि सब्जेक्ट, विषय के बारे में. अगर मैं सेमियोटिक के बारे में लिखता हूँ, अगर मैं स्टडी ऑफ साइंस के बारे में लिखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे 1 मिलियन रीडर हो सकते हैं. तो मुकंद ने बोला विच ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे जो है एक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछूंगा. द नेम ऑफ द रोज इज़ वेरी फेमस, वेरी सीरियस नावल. तो मुकंद ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि जो आपने नावल लिखा है, नावल लिखा है द नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत सीरियस नावल है. इट्स ए डिटेक्टिव यान, कहते हैं ये इट्स ए डिटेक्टिव यान एट वन लेवल. एक साइड पे तो हम देखें तो एक जासूसी कहानी है इसमें. इट आल्सो डेल्स इनटू मेटाफिजिक्स,
और ये दूसरी ओर जो है हमें मेटाफिजिक्स के बारे में बताता है, थियोलॉजी के बारे में और मेडिवल मध्य इतिहास के बारे में बताता है। येट इट एन्जॉयड ए ह्यूज मास ऑडियंस, फिर भी जो है बहुत सारे लोगों ने इसको जो है एन्जॉय किया है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, तो मुकंद ने पूछा कि क्या आप जो है पजल हो गए हैं इससे। ओमोटोइको ने बोला नो जर्नलिस्ट आर पजल, तो ओमोटोइको ने बोला नहीं मैं पजल नहीं हूँ, जर्नलिस्ट पजल हो जाते हैं समटाइम पब्लिशर्स, और कभी कभी जो है पब्लिशर भी जो है पजल हो जाते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश, ये इसलिए क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स क्या विश्वास करते हैं कि लोगों को ट्रैश पसंद है, लोगों को वर्थलेस चीज़ें पसंद हैं, अच्छी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती। एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और उन्हें जो मुश्किल पढ़ना जो अनुभव है वो जो है पसंद नहीं है। कंसीडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, कंसीडर करो मान लो कि 6 बिलियन पीपल हैं इस प्लानट पे। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 million कॉपीज, और नेम ऑफ द रोज की कहते 10 से 15 million कॉपीज जो हैं बिकी हैं। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है बहुत थोड़े से परसेंटेज रीडर्स तक जो है मैं पहुंच पाया हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वांट ईजी एक्सपीरियंस, बट इट इज़ एग्जैक्टली, पर ये तो एग्जैक्टली है कि दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डू नॉट वांट ईजी एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऐसे ये रीडर्स हैं जिनको ईजी एक्सपीरियंस जो है नहीं चाहते हैं, और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वॉन्ट दिस, और एटलीस्ट जो है आखिर ये है कि वो चाहते भी नहीं हैं। I myself at 9 PM after dinner watch television and want to see either Myanmar Vice or emergency room. I enjoyed it and I need it but not all day. तो उसने बताया ओमोटोइको ने बोला कि मैं खुद भी जो है 9 बजे के बाद में डिनर के बाद में टेलीविज़न देखता हूँ, एंड और मैं देखना चाहता और जो वांट टू सी मैं देखना चाहता हूँ मियामी वाइस को देखना चाहता हूँ, एमरजेंसी रूम देखना चाहता हूँ, और मैं इसको इंजॉय भी करता हूँ जब देखता हूँ। एंड आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है, बट नॉट ऑल डे, परंतु सारा दिन नहीं। तो मुकंद ने इस पर बोला could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it deal with a period of medieval history there? तो मुकंद ने बोला could the huge success of the novel have anything to do with the fact, क्या अगर ज़्यादा कामयाबी की ज़रूरत है नावल को तो क्या ये जरूर है कि anything to do with the fact कि उसमें जो facts होने चाहिए that it deal with a period of medieval history, कि वो fact होने चाहिए जो मध्य जो medieval history के हैं वो फैक्ट हों तो इससे जो है एक जो है कामयाबी मिलती है। कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नावल हैव एनी थिंग टू डू विद द फैक्ट, कि अगर नावल की बहुत सारी कामयाबी है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके फैक्ट जो हैं वो मेडिवल इतिहास से जो हैं डील करने होने चाहिए, उससे जुड़े होने चाहिए। अम्बर्टोई को बोला दैट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, संभव है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, परंतु मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक चाइनीज़ वाइज मैन, क्योंकि मैं हमेशा जो कहानी बताता हूँ उसमें ये बताता हूँ कि जो चाइनीज़ के चाइना के वाइज मैन हैं उसके बारे में बताता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक, और मेरी अमेरिकन पब्लिशर्स है उसने भी ये बोला शी लव्ड माई बुक, उसे भी मेरी बुक को बहुत मेरी बुक से बहुत प्यार है। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज इन ए कंट्री वेयर नोबडी हैज सीन ए कैथेड्रल और स्टडीज रिटन, परंतु कहते हैं मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर्स है उसको मेरी बुक से बहुत लगाव है, परंतु वो ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि 3,000 से ज़्यादा कॉपी जो हैं उस देश में बेची जाएँ जहाँ पे लोगों को जो है जिन्होंने कैथेड्रल नहीं देखा, चर्च नहीं देखा, स्टडीज लेटिन जिन्होंने लेटिन में स्टडी नहीं की वहाँ पर 3,000 कॉपी से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए। सो आई वॉज़ गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज, इसलिए मुझे जो है 3,000 कॉपी का जो है एडवांस दे दिया गया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन द US, परंतु बाद में जो है इसको 2 or 3 million जो है US में बेचा गया। ए लॉट ऑफ बुक्स हैव बिन रिटन अबाउट द मेडिवल पास फार बिफोर माइन, और मडोइको ने बोला कि बहुत सारी किताबें मुझसे पहले भी लिखी गई हैं मेडिवल पास के बारे में। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ मिस्ट्री, और मुझे लगता है जो बुक की कामयाबी होती है ये एक रहस्य है, नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, और मुझे लगता है अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले लिखा होता या 10 साल बाद में, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो ऐसा नहीं होता जैसा सेम है। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ ए मिस्ट्री, वाई इट वर्कड, और ये ऐसा क्यों हुआ दैट इज़ ए मिस्ट्री, वाई इट वर्कड, ऐसी कामयाबी क्यों मिली, ये कहते ये भी एक रहस्य है। सो स्टूडेंट आई हैव टॉट यू पार्ट 2 इन कम्प्लीट चैप्टर एंड आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड,
स्टूडेंट यू टेल इट टू अदर स्टूडेंट सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड स्टूडेंट स्टे सेफ स्टे एट होम ओबे योर पेरेंट्स थैंक यू हैव अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल